फ्रेंड, मैं हूं अश्विन इकबाल और आप देख रहे हैं फार्मेटा की यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा ये वीडियो किस बारे में, तो फ्रेंड बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड, सबसे पहले प्रिंटर के मॉडल की बात कर ली जाए तो प्रिंटर का जो मॉडल है एचपी लेजरनेट प्रो M29W है। फ्रेंड, प्रिंटर के फीचर की बात करी जाए तो फ्रेंड ये प्रिंटर 4-in-1 है। इसमें प्रिंटर की सहूलत मौजूद है, स्कैनर की सहूलत मौजूद है, वाईफाई है और कॉपी की सहूलत मौजूद है। फ्रेंड, प्रिंटर की स्पीड की बात कर ली जाए तो 19 पेज पर मिनट प्रिंटर की स्पीड है। तो फ्रेंड अभी करते हैं जल्दी से प्रिंटर को अनबॉक्स और दिखाते हैं कि इसके साथ हमें क्या क्या मिल जाता है। फ्रेंड, प्रिंटर के साथ हमें जो जो मिला था उनमें एक की इसकी पावर केबल, ये एचपी की ओरिजिनल ब्रांडेड पावर केबल है। उसके बाद कुछ इसकी पेपर गाइड थी और इसके बाद एक यूएसबी केबल जो आपके आपका प्रिंटर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। फ्रेंड, आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूं कि ये जो प्रिंटर है ये विंडोज 7, 8 और 10 पर ऑटो इंस्टॉल हो जाता है अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। वैसे फ्रेंड, इसके साथ सीडी भी अवेलेबल होती है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इसको सीडी के साथ इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड, ये जो प्रिंटर है एचपी लेजरनेट प्रो M29W, इसमें ऑटो ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी की सहूलत भी मौजूद है। इसमें आईडी कार्ड की सहूलत भी मौजूद है। इसी आईडी कार्ड का फंक्शन एचपी वालों ने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है जिससे आप आईडी कार्ड की काफ़ी बहुत ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, फाइनली ये हमारा प्रिंटर अनरैप होके हमारे सामने आ चुका है। इसको हम खोलेंगे, खोलने के बाद फ्रेंड हम इसको चला के भी चेक करेंगे, इसकी स्पीड चेक करेंगे, मोबाइल के साथ वाईफाई कनेक्ट कैसे होगा वो भी चेक करेंगे और कंप्यूटर के साथ ये कनेक्ट कैसे होगा वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये है एच पी लेजर जेट प्रो M29W। फ्रेंड, सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इसके ऊपर अप डाउन वाले दो बटन हैं। इसके साथ ये इसकी कॉपी की सेटिंग वाले बटन है। इसके जो नीचे ये जो बटन है ये कॉपी का बटन है। अगर आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंटर जो है वो कॉपी करेगा। इसके बाद फ्रेंड, ये जो मैंने आपको पहले बताया था इसमें इजी आईडी कार्ड की कॉपी की सहूलत मौजूद है, तो ये वो उसके लिए बटन है। इसके नीचे वाईफाई वाला बटन है जिसे आप ऑन करके अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद ये जो है कैंसिल वाला बटन। इसके बाद फ्रेंड, इसके स्कैनर की बात कर ली जाए तो इसका A4 का स्कैनर है और 1200 DPI तक इसका स्कैनिंग का रिजल्ट है। इसके बाद फ्रेंड बात कर ली जाए इसकी कार्ट्रिज की, तो इसमें 48A नंबर की कार्ट्रिज ओरिजिनल HP की इंस्टॉल है जो आपकी एक मरतबा रिफ़ल होने के बाद कम अज़ कम आपके 1200 से लेके 1500 पेज प्रिंट आउट कर देगी। तो फ्रेंड अभी करते हैं प्रिंटर को ऑन और आपको चेक करवाते हैं इसका रिज़ल्ट। फ्रेंड, प्रिंटर को हमने ऑन कर लिया है और ये आपके सामने डिस्प्ले शो हो रहा है जिस पे लिखा आ रहा है HP। ये हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है। ये फ्रेंड इसकी इनपुट ट्रे है जहाँ पे हमने पेपर इंस्टॉल करने हैं। फ्रेंड, प्रिंटर में हमने पेपर लगा दिए हैं। अभी फ्रेंड अगर आपने इसका टेस्ट पे ही लेना है और जिसपे वाईफाई की सारी सेटिंग मौजूद होती है अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए, आपको इसके वाईफाई के पासवर्ड की ज़रूरत होगी जो कि आपको ऐसे मालूम नहीं होगा। करना क्या है, ये जो सिंपल कॉपी वाला बटन है ये तकरीबन 3 से 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। जब ये ऑन ऑफ वाली लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दे तो आपने इसको छोड़ देना है।
तो फ्रेंड इसमें से दो पेपर प्रिंट होके प्रिंट आउट होंगे जिन पे हमारी वाईफाई की सेटिंग होगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारा वाईफाई का सेटअप है। इधर हमारा जी ये जो है स्टेटस एनेबल है वाईफाई, और इसका जो पासवर्ड है वो ये 1 से लेकर 8 तक जो गिनती है ये इसका पासवर्ड है। तो फ्रेंड ये था प्रिंटर का रिजल्ट। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।